सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये इम्पोर्टेंट जो जजमेंट है उसका डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस से भी लिंक हो रहा है उस केस को भी मैं आपको ब्रीफ करूंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो दोस्तों ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बहुत ही ज़्यादा शेयर किया जा रहा है इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो हमारा रिवेन्यू है उसके ऊपर पेनल्टी लगाई है आखिर क्यों ये पेनल्टी लगाई है क्या यहाँ पे फॉल्ट हुआ था वो सब डिस्कशन हम करने वाले हैं तो दोस्तों उससे पहले एक जजमेंट आया था गुजरात हाई कोर्ट का आ, जो कि हमारा केस नंबर है फाइव सिक्स टू तो गुजरात हाई कोर्ट का वो जो केस था उससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने अपलोड करी होगी अपने चैनल पर जो कि मेसर्स विष्णु एरोमा पाउचिंग प्राइवेट लिमिटेड का ये केस है जिसमें उसने टैक्स की पेमेंट तो कर दी थी लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस वो पेमेंट वहाँ पे अपडेट नहीं हो पाई ये जी एस थ्री बी की जो पेमेंट से रिलेटेड कुछ इशू था तो पेमेंट अपडेट नहीं हो पाई जिसकी वजह से जो रिवेन्यू है उसने इंट्रस्ट लगा दिया था हमारे जो मैसेस विष्णु एरोमा पाउचिंग प्राइवेट लिमिटेड हैं उस पर तो उसी से रिलेटेड ये गुजरात हाई कोर्ट का एक केस था अब सुप्रीम कोर्ट का जो ये केस है वो किस तरीके से उससे रिलेटेड है चलिए वो देखते हैं तो यहाँ पे जो बताया गया है कि वी हैव हर्ड द लर्न एडिशनल सोलिसिटर जनरल बोथ ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ डिले एंड मैरिज वी से सो डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी फाइंड देयर इज नो रीजन टू कॉन्ड द डिले अ पर्सअल ऑफ एप्लीकेशन शोज दैट जजमेंट वाज प्रोनाउंसड ऑन फोर्टीन नवंबर टू को वो जो गुजरात हाई कोर्ट की जो जजमेंट है वो प्रोनाउंस की गई और उसके अगेन जो स्पेशल लीव पटीशन है द प्रपोजल फॉर फाइलिंग स्पेशल लीव पटिशन वॉज सेंट आफ्टर ऑलमोस्ट सिक्स मंथ ऑन बीस मई दो हजार बीस को प्रपोजल uh, जो है भेजा गया सेंट किया गया उस जजमेंट के uh, से रिलेटेड जो उस जजमेंट के अगेंस्ट एंड इट टुक अनादर थ्री मंथ्स और यहाँ पे जो रिवेन्यू है उसने एक्स्ट्रा थ्री मंथ्स ले लिए टू डिसाइड दर टू फाइल स्पेशल लीव पिटिशन और नॉट ऑन ट्वेंटी एट ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी तो ये जो डिले हुआ ये रिवेन्यू की तरफ से जो है किया गया वी आर ऑफ द व्यू दैट सच काइंड ऑफ लिथॉर्जी ऑन द पार्ट ऑफ रिवेन्यू डिपार्टमेंट विच सो मच कंप्यूटराइजेशन हैविंग बीन अचीव्ड इज नो मोर एक्सेप्टेबल तो इस तरह का जो लेजीनेस है इस तरह का जो लेजीनेस है डिपार्टमेंट की तरफ से विद सो मच कंप्यूटराइजेशन जो है अभी अवेलेबल है इज़ नॉट एक्सेप्टेबल the aforesaid itself shows that the casual manner in which the petitioner has approached this court तो इस केस में जो पटिशनर है वो रिवेन्यू है क्योंकि रिवेन्यू ने लगाई है ये स्पेशली पटिशन तो इट शोज़ कि किस कैजुअल मैनर में जो है रिवेन्यू ने कोर्ट को अप्रोच किया है विदाउट एनी कॉन्सेंट और प्लॉसिबल ग्राउंड्स फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इनफैक्ट अदर देन जो कि उन्होंने इनकम्पिटेंस ऑफ लेजीनेस दिखाई है देयर इज नथिंग विच हैव बीन पुट ऑन रिकॉर्ड वी हैव रिपीटिडली डिसकरेज द स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक अथॉरिटी इन एडोपटिंग एन अप्रोच दैट दे कैन वॉक इन टू द सुप्रीम कोर्ट एज एंड वेन दे प्लीज इग्नोरिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब बाय दी स्टैचू तो उन्होंने यहाँ पे बोल दिया है कि आ, ये रिपीटेडली उन्होंने बोला है कि हमने डिस्करेज किया है स्टेट गवर्नमेंट को और पब्लिक अथॉरिटीज़ को जो उन्होंने ये अप्रोच एडोप्ट की हुई है कि वो इग्नोर करते हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है एज इन मैनर की जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो उन पर एप्लीकेबल नहीं होता है तो ये सभी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की पहले तो दोस्तों फटकार लगाई है और उसके बाद उन्होंने बोला है वी हैव ऑल्सो कैटेगराइज सच काइंड ऑफ केस एज सर्टिफिकेट केस फाइल्ड विद दी ओनली ऑब्जेक्ट टू अपटेन ए क्वाइटस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट नथिंग कुड बी डन बिकॉज हाइएस्ट कोर्ट हैज़ डिसमिस दी अपील तो ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिंग्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और लास्ट में लुकिंग टू द पीरियड ऑफ दिले एंड द कैज़ुअल मैनर जिस कैजुअल मैनर में जो एप्लीकेशन है हैज़ बीन वर्डिड वी कंसीडर अप्रोप्रिएट टू इंपोर्ट इम्पोज द कोस्ट ऑन पटिशनर कोस्ट ऑन द पटिशनर ऑफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फॉर वेस्टेज ऑफ जुडिशियल टाइम को बर्बाद करने के लिए जो पच्चीस हजार रुपये की कोस्ट uh, इम्पोज की विच हैज़ इज ओन वैल्यू क्योंकि जो जुडिशियल का टाइम है उसकी अपनी एक वैल्यू है एंड सेम टू बी डिपोजिट विद द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स को ऑन द रिक्ड वेलफेयर वर्ल्ड फंड विद इन फोर वीक्स के अंदर डिपोजिट करनी है द अमाउंट कु रिकवर्ड फ्राम द ऑफिसर्स और ये जो अमाउंट है ये रिकवर की जा सकती है ऑफिसर्स से ये जो अमाउंट है वो रिकवर होगी फ्रॉम द ऑफिसर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल हु रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले इन फाइलिंग द एस एल पी तो रिवेन्यू ये अमाउंट उन ऑफिसर्स से रिकवर कर सकता है जो एस एस एल पी को डिले करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं एंड सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी ऑफ सैड अमाउंट बी ऑल्सो फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट विद इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम तो दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट का uh, फैसला आया है रिवेन्यू के अगेंस्ट कि उन्होंने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है उसको उसके अगेंस्ट एक कैजुअल अप्रोच रखी और जो डिले किया उससे रिलेटेड ये फ़ाइन ये पेनल्टी रेवेन्यू पर लगाई गई तो ये काफ़ी अच्छा जजमेंट निकाल करके आया है सुप्रीम कोर्ट का